व्हाट्स अप गाइस, संजोत कीर हियर, वेलकम टू IFL। आज मैं बना रहा हूँ कोलकाता की एकदम फेमस रेसिपी, कोलकाता स्टाइल एग रोल्स। ये वाली रेसिपी में सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट ये होता है कि जो परोठा होता है, लच्छेदार पराठा होता है एक, वो कैसे बनता है। दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कॉम्पोनेंट ऑफ दिस रेसिपी। और इस वीडियो में मैं आपके साथ एकदम फ्लेकी, ऊपर से एकदम क्रिस्पी और अंदर से सॉफ्ट, परफेक्ट परोठा कैसा बनाते हैं उसकी रेसिपी आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। और उसी से हम बनाएंगे बहुत ही ब्यूटीफुल एंड माइंड ब्लोइंग कोलकाता स्टाइल एग रोल्स। लेट्स डू दिस। हमारे कोलकाता स्टाइल एग रोल में जो परोठा बनता है वो बहुत यूनिक होता है। उसके लिए डो लगाना बहुत इंपॉर्टेंट है। इसकी टेक्निक जो है वो आपको समझनी है अच्छे से। सबसे पहले तो एकदम सॉफ्ट और स्ट्रेची डो बनाना है। 15 मिनट के लिए कम से कम आप नीड करोगे स्ट्रेच करते हुए। ग्लूटेन डेवलप होना चाहिए, उसी से जो आपका परोठा है वो बहुत अच्छा बनेगा। इसको आपको रेस्ट बहुत अच्छे से देना है। ये वाले डो को कम से कम मिनिमम 1-1.5 घंटे का रेस्ट देना है, पर मैं सजेस्ट करूँगा कम से कम 4-5 घंटे के लिए दीजिए रेस्ट। आप
रिजल्ट्स जो आपके हैं परोटा के वो बहुत ही ब्यूटीफुल आएंगे, बेटर आएंगे। रेस्ट करने से बहुत ज़्यादा डिफरेंस आ जाता है। एक बार आपका डो रेस्ट कर लिया आपने, उसके बाद आपको इन्हें डो बॉल्स बनाने हैं। इसके डो बॉल्स बनाने के बाद आपको इन्हें लेयर करना है। लेयरिंग का जो तरीका है वो मैंने आपको आज दो तरीके बताए हैं, वो दोनों तरीकों से कर सकते हो। और भी कई तरीके हैं इनके करने को, ये मेरे को दो सबसे ईजी तरीके लगते हैं। ये वाली रेसिपी में थोड़ा सा तेल ज़रूर ज़्यादा लगता है, पर उसी से वो फ्लेक्स डेवलप होते हैं। तो थोड़ी सी हैवी रेसिपी ज़रूर है लेकिन बहुत डिलिशियस बनती है। तो अच्छे से आपको लेयरिंग करके इसके डो बॉल्स रेडी कर लेने, और फिर डो बॉल्स को भी आपको अच्छे से रेस्ट करना है कम से कम एक घंटा। हाँ, प्रोसेस थोड़ा लंबा है बट इट इज़ नॉट एक्टिव टाइम, पैसिव टाइम ज़्यादा है ये रेसिपी का। एक बार आपने डो बना लिया, रेस्ट कर लिया, लेयरिंग कर ली, रेस्ट कर लिया, रेस्टिंग टाइम अगर ज़्यादा अच्छा होगा उतने अच्छे आपके परोटास बनेंगे, उतने इजी बनेंगे। सेकेंड टाइम रेस्ट करने का कारण ये होता है कि जब भी आप लेयर करते हो ग्लूटेन फिर से टाइट हो जाता है, तो यू जस्ट हैव टू रेस्ट इट अ लिटिल बिट, उसको ढलाना है आटे को, और फिर आपको इसकी जो परोटे वो बेलने हैं। जब तभी आप बेलोगे रेस्ट करने के बाद जो आपका परोटा है वो श्रिंक नहीं होएगा। तो ये एक बहुत चीज़ होती है कि श्रिंक होते जाते हैं जब भी मैदे की रोटी को हम बेलते हैं। तो अगर रेस्ट दोनों टाइम अच्छा दिया है तो आपकी रोटी श्रिंक नहीं होगी ज़्यादा, और आपके जो रिजल्ट्स हैं परोटा के बहुत अच्छे आएंगे। तो हमारा ये वाला प्रोसेस पूरा कंप्लीट हो गया है। अभी नेक्स्ट प्रोसेस ये है कि हमें परोटा बेलना है, उसे कुक करना है, और एग से कोट करना है, असेंबल करना है। वो वाला जो प्रोसेस है वो देख लेते हैं। कोलकाता स्टाइल एग रोल्स रेडी हो गए हैं और बहुत ही ब्यूटीफुल बने हैं, बहुत ही अमेजिंग बने हैं। और जो परोटा का टेक्सचर आया है माइंड ब्लोइंग आया है। बाहर से एकदम फ्लेकी है, एकदम क्रिस्पी है, और अंदर से सॉफ्ट है, और इसे खाने का जो मज़ा है आपको ज़रूर ट्राई करनी है वाली रेसिपी। जब भी आप परोटा को कुक करेंगे फिर से आपको थोड़ा सा ऑयल ज़्यादा लेना है। ये वाली रेसिपी में ऑयल ज़्यादा है, थोड़े से हैवी हैं, बट वंस इन अ वाइल के लिए अच्छा है। आप अच्छे से एक स्पैचुला से जो परोटा है या पराठा है उसको अच्छे से प्रेस करते हुए, अच्छे से घुमाते हुए इसको कुक करेंगे तो वो इवन कलर आएगा और एकदम वो क्रिस्पी और फ्लेकी बनेंगे। उसी तरीके से कुक करना, मैंने सारी टिप्स लिखी हुई हैं वीडियो में, आप फॉलो करके बना सकते हैं।
यही एग रोल में आप थोड़ा सा चिकन काठी कबाब बना के, जो रेसिपी मैंने पहले बनाई हुई है चैनल पर, वो रेसिपी बनाकर इसमें डाल सकते हैं। मैंने काठी रोल की भी रेसिपी की हुई ऐसे ही किया हुआ है, इसमें थोड़ा सा और डेप्थ में आपको मैंने परोठा की रेसिपी बताई है। तो ये फॉलो करके आप चिकन काठी रोल्स भी बना सकते हैं। वेजिटेरियन हो तो पनीर यूज़ कर सकते हो ज़रूर, या मशरूम्स यूज़ कर सकते हो। तो ज़रूर ट्राई करो ये वाली रेसिपी अपने घर पे और मुझे बताओ आपको कैसी लगी। डू शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली, हिट द लाइक बटन इफ यू लाइक दिस रेसिपी, फॉलो एंड सब्सक्राइब टू YFL इफ यू हैवंट येट। हैव एन अमेजिंग टाइम विद दिस डिलिशियस एंड ब्यूटिफुल कोलकाता स्टाइल एग रोल्स एट योर होम। चीयर्स।